और दूसरी बात यार, बी अ मैन, कंट्रोल योर लस्ट। हर किसी के आगे पीछे एवं आप आपकी राले ना टपकती फिरे। आप जहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मोमिन मर्दों की सिफत बयान की है ना, वहाँ पे उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या आलमी है कि एक हम वो कहते हैं ना कि एक मैसेज की मार है, एक मैसेज आ गया, हमारा सारा तकवा, सारा ईमान, सारा खौफ अल्लाह ताला का वो पसे पुश्त डालकर हम उस गुनाह में मुलविस हो जाते हैं। वो एक साहब को किसी ने कहा, जी आप ना नमाज अदा किया करें। ग्वाला था, उसकी बहन से थी, उसको कहा कि नमाज अदा किया करें, आपके दूध में बरकत होगी। तो उस शख्स ने ना नमाज अदा की, कहता चलो कर लेते हैं नमाज, इसमें क्या हो सकता है मेरे दूध में बरकत आ जाए। वो उसने नमाज अदा की फजर की, तो एक भैंस मर गई। वो मौलवी साहब के पास आया, ये क्या हो गया? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा है, नमाज अदा करो। जोहर आई, उसने जोहर पढ़ी, एक और भैंस मर गई। असर आई, असर पढ़ी, एक और भैंस मर गई। इतने में ना एक वो भैंस का कट्टा जो था, बच्चा बछड़ा, वो बड़ा मिनमिना रहा, बड़ा बोल रहा है। वो उसे उसके पास जा कहता है आराम से बैठ जा, तू तो दो नफलों की मार है। ये बात करने का, मिसाल देने का मकसद ये है कि हमारा जितना तकवा, जितना जो अल्लाह ताला का खौफ हम बिठाए होते हैं, एक मैसेज आ जाए हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम मर्दों में कैसे शामिल होंगे जब अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों की ये बात की है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, हमारे हलचल होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कुरान ने अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन जिन सात लोगों को अपने अर्श का साया देना है, जिस दिन कोई साया नहीं होना, सिर्फ अल्लाह ताला के अर्श का साया होना है, अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन सात किस्म के लोगों को देना है। उनमें से एक वो शख्स होगा जिसको एक हसबो नसब वाली खूबसूरत औरत बुराई की दावत दे और वो कहे मुआज़ अल्लाह, अल्लाह मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन खुश होकर उसे अपने अर्श का साया देंगे। तो पहले नंबर पे जिसको पहला इनाम मिल गया कि अर्श का साया मिल गया, तो उसके लिए जन्नत मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। ये समझिए कि अर्श के साया एक इनडायरेक्टली जन्नत का वादा है। उससे अगली बात ये है कि अगर ये वाकया, अगर ये मामला, अगर ये जो काम है अगर छोटा होता, तो अल्लाह ताला कभी भी इसको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के की ज़िंदगी के साथ कुरान मजीद में मेंशन ना करते। अल्लाह ताला ने क्लियरली मेंशन किया है कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाकया, इसी वजह से किया है कि ये कोई छोटा मामूली अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है और बड़ा मुश्किल है। जब आपको मालो दौलत वाली, हसबो नसब वाली औरत एक बुराई की दावत दे रही हो, वहाँ पर आप कहो कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो अल्लाह ताला बड़े ही खुश होते हैं। और उसके इनाम में अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, ज़ाहरी तो लोगों ने उन्हें, बादशाह ने उन्हें जेल दी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनके लिए इतना बड़ा इनाम दिया कि उन्हें बादशाह दी, और जो भाई उनसे नफरत करते हुए मिस्र के बाज़ारों में बेच आए थे, अल्लाह ताला ने उनको, उनके आगे, उन भाइयों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के आगे झुका दिया। उसके बाद अल्लाह ताला को जवानी की, मेरे भाइयों आज हम अगर इबादत कर लेंगे ना, अल्लाह ताला को जो हमारी पीक की जवानी है ना, उसकी इबादत सबसे ज़्यादा पसंद है। क़यामत वाले दिन जो पांच सवाल होंगे ना, जिनका जवाब दिए बगैर इंसान अपना कदम नहीं बढ़ा पाएगा, उसमें से एक सवाल ये है कि बताओ अपनी जवानी कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ गुजारी। हम जवानी एक ऐसा मोड़ होता है ज़िंदगी का, लाइफ का, एज का, जहाँ पे हम, हमारे पास ताकत होती है, वसत होती है, मालो दौलत होता है, जमाल होता है, और बुराई के बेशुमार रास्ते होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अल्लाह से डर कर, तकवा इख्तियार करके, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए अगर अल्लाह के बन जाए, तो अल्लाह हमारा बन जाएगा। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम जैसा मेरे साथ मुझे सोचोगे, मैं वैसा हूँ आपके साथ। हम अल्लाह के साथ अच्छे बनेंगे, अल्लाह हमारे साथ 10 गुना मज़ीद अच्छा बनेगा। अगर हम अल्लाह के लिए कोई भी काम करेंगे, कोई भी बुराई छोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला उसका बेतहाशा अजर देगा।
अल्लाह ताला कभी भी हमारे अजर को ज़ाया नहीं करता। कोई भी हम अमल करते हैं कि छोटा सा एक 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 रुपये की क्या वक़्त है, एक रुपये की आज के वक्त में क्या वक़्त है, लेकिन अगर कोई खलूस नीयत से एक रुपया भी सदका करता है ना, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी बड़े प्यार से उस नेकी को पालेंगे। और क़यामत वाले दिन आपके माइंड में भी नहीं होगा कि मैंने ये एक रुपया खर्च किया था और अल्लाह ताला ने उसको इतना इतनी बड़ी पहाड़ जितनी नेकी बनाई होगी। इसलिए लिहाजा यही वक्त है, यही मौका है कि हम अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करके अल्लाह के हो जाएं। अल्लाह ताला देखिएगा हमारे कैसे कैसे मामलात को आसान करेगा।